हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गिरिजेश कुमार मल, लेक्चरर इन इंग्लिश इन श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज बछरावा रायबरेली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखित कहानी द हैप्पी प्रिंस का अध्ययन करेंगे। एक्चुअली बहुत समय पहले की बात है जब ऑस्कर वाइल्ड जैसे कथाकार कहानीकार अमर कहानियां रचते थे। इतने दिन बीत जाने के बाद, यानी कि सवा सौ साल बीत जाने के बाद भी ये कहानियां कंटेम्पररी यानी समकालीन लगती। ऑस्कर वाइल्ड की ये जो कहानी है द हैप्पी प्रिंस, इस कहानी को इतना सराहा गया कि इसकी तारीफ में शब्द फीके पड़ जाते हैं। ये कहानी है एक मृत राजकुमार की सुंदर मूर्ति की, जिसमें उस राजकुमार की आत्मा वास करती है। स्कूल के बच्चे, नगर के मेयर उस स्वर्ण जड़ित मूर्ति की प्रशंसा किए नहीं थकते थे। मूर्ति के हाथ में एक तलवार होती है जिसके मुठिया में बेशकीमती मणि जड़ा होता है और मूर्ति की आंखों में भारत से मंगाई गई नीलम मणि लगी हुई होती है। लेकिन ऐसा क्या हो गया, कौन सी परिस्थिति बन गई कि ये प्रसन्न राजकुमार अपने ऊपर मढ़े हुए सोने को आंखों के रूप में प्रयोग की गई नीलम और तलवार की मुठिया पे लगे हुए मणि को दूसरे को देना चाहता था। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। High above the city, on a tall column stood the statue of the happy prince. करा कि शहर काफी ऊंचाई पे एक ऊंचे से स्तंभ पे एक प्रसन्न राजकुमार की स्टैचू यानी कि मूर्ति लगी हुई। It was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes, he had two bright sapphire and large रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। तो ये जो प्रसन्न राजकुमार की जो मूर्ति लगी हुई थी, इसके ऊपर सोने के पतले पतले पत्र चढ़े हुए थे, यानी कि सोने से मढ़ी हुई थी। आंखों के रूप में, आंखों के स्थान पे दो चमकीले नीलम पत्थर लगे हुए थे और जो इनके हाथ में जो तलवार था उसकी जो मुठिया थी उस पे मणि चढ़ी हुई थी। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी लिटिल स्वालो। स्वालो एक पक्षी है जिसको हिंदी में अबाविल पक्षी भी बोलते हैं। तो एक रात उस शहर के ऊपर से, उस नगर के ऊपर से एक अबाविल पक्षी उड़ते हुए जाता है। His friends had gone away to Egypt, Egypt यानी कि मिस्र देश, 6 weeks ago, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. Actually, उसके सारे मित्र 6 weeks before 6 सप्ताह पहले ही मिस्र के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन ये रह गया था। अब ये भी डिसाइड किया कि इसे भी मिस्र जाना है। All day long he flew and at night time he arrived at the city. पूरे दिन उड़ता रहा और रात के समय उस नगर में पहुंचा। Where's the life? Put up. मैं कहां रुकूंगा, मैं कहां ठहरूंगा? He said, I hope the town has made preparation. कहता है कि मुझे उम्मीद है कि नगर ने मेरे ठहरने का इंतजाम किया होगा, मैं तैयारी किया, प्रिपरेशन तैयारी की हो। Then he saw the statue on the tall column. अचानक उसकी नजर उस ऊंचे से स्तंभ पे, ये जो मूर्ति लगी हुई थी प्रसन्न राजकुमार की, उसके ऊपर पड़ती है। I will put up here, he cried. वो चिल्लाया कि मैं यहीं पे रुकूंगा। It is a fine position with plenty of fresh air. बहुत ही बेहतरीन स्थान है, यहाँ पे स्वच्छ हवा भी है। So he alighted just between the feet of the happy prince. इसलिए वो उस प्रसन्न राजकुमार की जो मूर्ति थी उनके दोनों पैरों के बीच में उतर गया। Alighted मतलब उतर जाना। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round and he prepared to go to sleep. अब जब वो प्रसन्न राजकुमार के पैरों के बीच में उतर गया तो उतर करके बैठ जाता है और धीरे से कहता है कि मेरे लिए बहुत ही सुनहरा शयन स्थान है, इससे बेहतरीन स्थान नहीं हो सकता, और सोने की तैयारी करता है। लेकिन होता क्या है, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। लेकिन जो ही अपने चोंच को अपने पंख के अंदर डाल करके वो सोने वाला है, तब तक पानी की एक बड़ी सी बूंद उसके ऊपर गिर जाती। What a curious thing! अरे ये अद्भुत चीज, he cried,
There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. चिल्लाता है, आवाज देता, अरे ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, आसमान स्वच्छ है, बादल, बारिश वाले बादल बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, तारे अस्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, और उसके बावजूद बारिश हो रही है, बेमौसम बारिश। देन अनदर ड्रॉप फेल, तब तक दूसरी बूंद गिर जाती है। व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. कहता है कि जब ये मूर्ति हमें बारिश से नहीं बचा सकती, तो यहाँ पे रुकने का क्या मतलब है? इस यहाँ रुकने से हमें फायदा क्या है, जब हम बारिश से ही नहीं बच पाएंगे? मुझे निश्चित रूप से एक बेहतरीन चिमनी देखना चाहिए, जहाँ पे मैं सुरक्षित रात्रि बिता सकूं। इसलिए अब वो डिटरमाइन करता है कि चलो यहाँ से उड़ चले। फिर क्या होता है? But before he had opened his wings, a third drop fell. लेकिन जो ही वो अपना पंख फैलाने वाला होता है, बारिश की तीसरी बूंद, पानी की तीसरी बूंद उसके ऊपर पड़ जाती है। And he looked up. फिर वो ऊपर देखता है, and saw, क्या देखता है? Oh, what did he see? The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. देखता है, कहता, अरे ये क्या मैं देख रहा हूं? प्रसन्न राजकुमार की जो मूर्ति है, उस चेहरे पे आंसू बह रहे हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. अब उस प्रसन्न राजकुमार की जो मूर्ति थी, जो चेहरा था, वो इतना खूबसूरत चांदनी रात में लग रहा दिख रहा था कि जो छोटा या अबाबिल था, इसके अंदर दया आ गई। पूछता है, Who are you? तुम कौन हो? I am the happy prince. मूर्ति जवाब देती है कि मैं प्रसन्न राजकुमार हूं। Why are you weeping then? Asked the swallow. अबाबिल पूछता है कि जब तुम प्रसन्न राजकुमार हो, तो तुम रो क्यों रहे हो? You have quite drenched me. तुम तो मुझे लगभग भिगो दिए हो। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were. For I lived in the palace, where sorrow is not allowed to enter. मूर्ति बोलती है, प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति में, चूंकि राजकुमार की आत्मा वास कर रही थी, तो राजकुमार की आत्मा बोलती है कि when, जब मैं जिंदा था, मेरे अंदर मानव हृदय था, तो वास्तव में मुझे ये नहीं पता था कि आंसू क्या होते। मैं महलों में रहता था, जहां पे दुख को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। My courtiers called me the happy prince. मेरे दरबारी मुझे प्रसन्न राजकुमार कह के बुलाते थे। And happy indeed I was. और वास्तव में मैं प्रसन्न था भी। If pleasure be happiness, क्योंकि मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। आनंद अगर प्रसन्नता का प्रमाण है, तो मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न था। So I lived and so I died. मैं प्रसन्नता पूर्वक जिया और प्रसन्नता पूर्वक मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब जब मैं मर गया हूं, दे हैड सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी ऑल द अग्लीनेस, अग्लीनेस यानी कुरूपता, भद्यपन, एंड ऑल द मिजरी, गरीबी, पुअरनेस ऑफ माई सिटी, एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड एट आई कॉन्ट चूज बट वी करा है कि मैं मर तो गया, लेकिन मेरे दरबारी मुझे यहाँ पे ला करके इस ऊंचे से स्तंभ पे स्थापित कर दिए, मेरी मूर्ति बना दिए, जहां से मैं अपने राज्य की अग्लीनेस, कुरूपता, गरीबी देख सकता हूं। यद्यपि कि मेरा हृदय जो है वो शीशे का बना हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को रोने से रोक नहीं सकता। What? Is he not solid gold? said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remark. अबाबिल सोचता है कि अरे ये क्या, ये मूर्ति सॉलिड सोने की नहीं बनी हुई है, लेकिन चूंकि इतना वो विनम्र हो गया था सुनकर के, कि कुछ बोला नहीं, कोई कमेंट नहीं किया।
Far away continued the statue in low musical voice. Far away in the little street there is a poor house. One of the window is open and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has curse mein hota hai bhadda crook, red hands, all prickled. Prickled hota hai ki silna, bulai karna, by the needle hota hai sui. For she is a seamstress yani ki darjin. Kara hai राजकुमार की मूर्ति कहती है कि सुदूर फार वे छोटी सी गली में एक गरीब मकान है, छोटा सा मकान है जिसकी एक खिड़की खुली हुई थी. उस खिड़की के थ्रू राजकुमार कह रहा कि मैं देख सकता हूं कि एक स्त्री टेबल पे बैठी हुई है, का चेहरा पतला है, उसके हाथ सुंदर नहीं है, वो कुछ सिल रही है, ऐसा प्रतीत होता है वो दर्जिन है. She is embroidering में होता कढ़ाई करना, fashion flowers on the satin gown for the loveliest of queens maids of honor to wear at the next court ball. वो एक्चुअली राजकुमारी के लिए अगले दिन नाटक में परफॉर्म करने के लिए एक कपड़ा सिल रही थी जिसपे वो कढ़ाई कर रही थी, फूलों की embroidering कर रही थी. In the bed, in the corner of the room, her little boy is lying ill. उस कमरे के कोने में बिस्तर पे उसका लड़का लेटा हुआ था. He has a fever and is asking for oranges. उस लड़के को बुखार था, वो oranges, संतरे मांग रहा था. His mother has nothing to give him but river water. अब इसकी माँ के पास नदी के पानी के अलावा उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था. And so he was crying. और इसलिए वो रो रहा था. Swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hit? My feet are fastened to this pedestal, astam, and I can't move. Rajkumar कहता है कि अबाबिल, छोटे अबाबिल, क्या तुम मेरे तलवार की जो मुठिया में जो रूबी मणि जो जड़ी हुई है उसको निकाल नहीं सकते हो? मेरे पैर इस अस्तम में जड़े हुए हैं, मैं कहीं हिल डुल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता. क्या तुम मेरे इस तलवार के मुठिया में जड़े हुए रूबी को ले जाकर के उसको दे नहीं सकते हो? अबाबिल जवाब क्या देता है? आई एम वेटेड इन द इजिप्ट, मेरा मिश्र में इंतजार हो रहा है. माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, मेरे जो मित्र हैं वो नील नदी के इधर उधर ऊपर नीचे मंडरा रहे हैं, उड़ रहे हैं. एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और उड़ते हुए कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं. सुन दे गो टू स्लीप, जल्दी वो सोने चले जाएंगे. स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी फॉर वन नाइट एंड बी माई मैसेंजर? अबाबिल छोटे अबाबिल, क्या तुम एक रात हमारे साथ ठहर नहीं सकते हो? और क्या मेरा संदेशवाहक नहीं बन सकते हो? द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, लड़का बहुत प्यासा है, माँ बहुत दुखी है. आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर्ड द स्वालो. अबाबिल उत्तर देता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं बच्चों को पसंद नहीं करता हूँ. आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं मिस्र जाना चाहता हूँ. बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड so sad that the little swallow was sorry. लेकिन प्रसन्न राजकुमार इतना दुखी दिख रहा था कि छोटा अबाबिल उसके लिए चिंतित हो गया. It is very cold here, he said, but I will stay with you for one night and be your messenger. अबाबिल उत्तर देता है, कहता है उससे, राजकुमार से, कि ठंड बहुत है लेकिन मैं तुम्हारे लिए आज रात ठहर जाऊंगा और तुम्हारा संदेशवाहक. थैंक यू लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस. राजकुमार ने कहा धन्यवाद, थैंक यू लिटिल स्वालो. सो द स्वालो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन. अब क्या करता है वाबिल? राजकुमार के तलवार की मुठिया में जो रूबी मणि जो जड़ी हुई थी उसको निकाल ले जाता है, निकाल करके चोंच में दबा करके और नगर के
ऊपर से उड़ता हुआ चला जाता है। He passed by the cathedral church का tower where the white marble angels were sculpted। अब वो चर्च के ऊपर से, जो टावर चर्च के ऊपर बना होता, उसके ऊपर से उड़ते हुए सफेद संगमरमर के जो एंजल्स दूत जो बने हुए हैं, वो पत्थरों पे तरासे गए हैं, उनके ऊपर से उड़ते हुए चला जाता है। He passed by the palace, महल के ऊपर से गुजरता है, and heard the sound of dancing। जब महल के ऊपर से गुजरता है तो उसको नाचने की आवाज सुनाई देती है। A beautiful girl came out on the balcony with her lover। एक सुंदर सी लड़की अपने प्रेमी के साथ बालकनी में आती है, क्या बोलती है? I hope my dress will be ready in time for the state ball। She answered, I have ordered passion flower to be embroidered on it, but the scene stresses are so much। कहती है कि मुझे उम्मीद है कि नाटक की परफॉर्मिंग से पहले मेरी ड्रेस तैयार हो जाएगी। मैंने उस ड्रेस के ऊपर फूलों की कड़ाही का आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जो दर्जिन है वो थोड़ी आलसी है। He passed over the river and saw the lantern hanging to the mast of the ship। मास्ट होता है मस्तूल, मस्तूल जो पानी वाली जहाज होती है उसके ऊपर जो टांगा रहता है। एक्चुअली अवाबिल जो है उड़ते हुए नदी के ऊपर से गुजरा, उसके बाद वो देखा कि जहाजों पे लालटेन, चुकी रात का टाइम था तो जहाजों पे लालटेन लटक रही थी। एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस एंड लुक्ड इन, और अंत में वो उड़ते हुए उस गरीब मकान तक पहुंच गया। अंदर देखा, द बॉय वॉज टसिंग फ्यूरियसली ऑन हिज बेड, लड़का बेचैनी से अपने बिस्तर पे करवट बदल रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लिप, सी वॉज सो टायर्ड, और माँ जो थी क्योंकि बहुत थक गई थी इसलिए वो सो गई। इन ही होप्ड, होप नहीं होता है धीरे से अंदर प्रवेश करना, यानी कि छलांग लगा कर अंदर प्रवेश करना, तो इन द होप्ड एंड लीड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल इन साइड द वुमन्स थिम्बल, थिम्बल से होता है नाखून। एक्चुअली चूंकि वो लेडी सो गई थी तो उसके नाखून के पास जो अंगुली का जो नाखून होता है ना कवर जो सेफ्टी के लिए, तो नाखून के पास जो टेबल था तो वहां पे ले आकर के रूबी यानी कि जो मड़ी को ले आकर के रख देता। फिर क्या होता है? Then he flew gently round the bed। उसके बाद उड़ते हुए बच्चा जहां सोया है, जिस बेड पे सोया है उसके चारों तरफ उड़ता है धीरे धीरे। एंड फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स, और अपने पंखों से वो लड़का जो सोया हुआ है, जिसको फीवर है, जिसका शरीर तप रहा है, उसको धीरे धीरे फैन करता है, हवा करता है। हाउ कूल आई फील, सैड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लंबर, स्लंबर डिलीशियस आकर्षण निद्रा। एक्चुअली लड़का कहता है कि मैं कितना ठंडा महसूस कर रहा हूँ, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ, और वो धीरे से धीरे धीरे निद्रा में, गहरी निद्रा में सो जाता है। देन द स्वालो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। फिर क्या होता है? अबाबिल लौट करके राजकुमार के पास आता है एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और जैसा उसने किया था आकर के सारी घटना बताता है। इट इज क्यूरियस ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो कोल्ड, बड़ा अद्भुत है, हालांकि मैं अपने आप को गर्म महसूस कर रहा हूं, भले ही इतनी ठंडक है, लेकिन ठंडक होने के बावजूद भी मैं अपने आप को गर्म महसूस कर रहा हूं। That is because you have done a good action, said the prince। राजकुमार ने कहा, तुमको इसलिए गर्मी महसूस हो रही है, तुमको इसलिए अच्छा महसूस हो रहा है कि तुमने एक नेक काम किया है। And the little swallow began to think, and then he fell asleep, thinking always made him sleepy। फिर छोटा अबाबिल सोचने लगता है, सोचते सोचते सो जाता है, क्योंकि अक्सर वो सोचते सोचते ही सो जाता था। When day broke, he flew down to the river and had a bath। Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect। Prospect मतलब पूर्वानुमान। He visited all the public monuments, monuments मतलब स्मारक, and said
ए लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टेपल। स्टेपल होता है कि जो ढलान होता है चर्च का, जो ऐसे तिकोना जो बना होता है, तो वहां पे जाकर के। तो कह रहा है कि अगले दिन जब रात्रि समाप्त हुई तो गया नदी में स्नान किया। उसके बाद कहता है कि आज की रात मैं मिस्र रवाना हो जाऊंगा। और इतना सोच करके ही, पूर्वानुमान से ही इसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। उसके बाद वो विभिन्न स्मारकों का चक्कर लगाता है और उसके बाद जाकर के चर्च के ढलान पे जाकर बैठ जाता है। When the moon rose, रात हो जाती है, चांद निकल आती है। तो when the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried, I am just starting. रात्रि जब होती है तो आकर के राजकुमार के पास आता है, कहता है क्या मिस्र के लिए तुम्हें कोई काम है? तुम्हारा कोई काम तो नहीं है मिस्र में? मैं वहां पे अब तुरंत निकल रहा हूं, मिस्र के लिए मैं रवाना हो रहा हूं। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर? अबाबिल अबाबिल, छोटे अबाबिल, राजकुमार कहते हैं कि क्या तुम एक और रात हमारे साथ नहीं गुजार सकते हो? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द स्वालो। अबाबिल उत्तर देता है कि मेरा मिस्र में इंतजार हो रहा है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, फार अवे क्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन गैरेट। गैरेट गैरेट होता है, एक्चुअली गैरेट का मतलब ये होता है कि अटारी, जो वो कमरा जो टॉप फ्लोर पे बना हुआ हो, ठीक है। तो कह रहा है कि अबाबिल, सुदूर, बहुत दूर, शहर नगर से दूर, मैं एक ऐसे युवा को देख रहा हूं जो सबसे ऊपर वाले कमरे में अटारी बैठा हुआ है। He is leaning over a desk covered with paper and in a tumbler by his side there is a bunch of withered violets, withered violets, मुरझाए हुए फूल। कह रहा है कि सुदूर मैं एक युवा व्यक्ति को देख रहा हूं जो ऊपर वाले कमरे में बैठा हुआ है, वो अपने डेस्क के सहारे झुका हुआ है और उसके बगल में जो दराज है वहां पे मुरझाए हुए फूल। His hair is brown and crisp, उसके बाल पूरे कलर के हो गए हैं, घुघराले हैं। And his lips are red as pomegranate, और उसके जो होंठ हैं, जो उसके होंठ हैं, वो इतने लाल हैं जितना कि अनार होता है, pomegranate। And he has large and dreamy eyes, उसकी आंखें बड़ी बड़ी सपनील आंखें हैं। He is trying to finish a play for the director of the theater, but he is too cold to write anymore. वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए, निदेशक के लिए नाटक लिख रहा है, उस नाटक को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि इतनी ठंड उसको लग रही है तो वो आगे लिख नहीं सकता है। There is no fire in the grate, अंगीठी में आग नहीं है, and hunger आज बैठी और भूख की वजह से लगभग मूर्छित सा हो गया। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वालो हु रियली हैड अ गुड हार्ट, शैल आई टेक हिम अनदर रूपी। अबाबिल कहता है कि आज एक रात और मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा, ठहर जाऊंगा, क्योंकि उसका हृदय अच्छा था, अबाबिल अच्छे हृदय का था। तो कहता है राजकुमार से कि चलो तुम्हारे लिए एक रात में और ठहरा, क्या तुम्हारे पास और कोई रूबी है, और कोई मणि है ले आकर के देने के लिए उसको? राजकुमार कहता है अलास आई हैव नो, मेरे पास अब कोई मणि नहीं है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास यदि कुछ बची हैं तो मेरी आंखें हैं, दे आर मेड ऑफ रेयर सफारी, मेरे पास केवल रेयर सफारी बची हुई है, दुर्लभ प्रजाति की, दुर्लभ कोटि की सफारी, यानी कि नीलम बची हुई है जो कि मेरी आंखों के रूप में मेरे शरीर में लगी हुई है। विच वी आर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया अ थाउजेंड ईयर, ठीक हो? राजकुमार कहते हैं कि मेरे पास यदि कुछ बचा है तो मेरी आंखें हैं और ये दुर्लभ
नीलम की हैं, जिसे हजारों वर्ष पहले भारत से लाया गया था, क्योंकि लेखक जो हैं आयरलैंड के हैं, तो चूंकि इन्होंने आयरलैंड में लिखा था तो इन्होंने उसमें लिखा कि ये जो नीलम आया वो हजारों वर्ष पूर्व भारत से आया था। प्लंक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू हिम। राजकुमार कहता है कि इसमें से एक आंख निकाल लो, एक आंख निकालो मतलब एक नीलम निकाल लो और ले आकर के उसको दे दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर। उसे जब वो पा जाएगा इसको, तो ले आके इस नीलम को किसी ज्वेलर को बेच देगा, जौहरी को बेच देगा। एंड बाई फूड एंड फायर वुड, और अपने लिए भोजन खरीदेगा, चलाने के लिए लकड़ी ईंधन खरीदेगा। एंड फिनिश इट प्ले, और उसके बाद वो नाटक समाप्त करेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वालो, आई कांट डू दैट एंड ही बिगन टू इट। कहता है प्यारे राजकुमार मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, और इतना कहकर के अबादे को मिला। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। अबाबिल, छोटे अबाबिल, जैसा मैं तुम्हें कहता हूं, जैसा मैं तुम्हें निर्देश देता हूं वैसा तुम करो। सो द स्वालो प्लग आउट द प्रिंसेस आई एंड फ्लू अवे टू द स्टूडेंट्स गैरेज। अब करे तो क्या करे अबाबिल, राजकुमार की एक आंख का जो मतलब आंखों के रूप में जो दो नीलम लगे हुए थे, तो एक नीलम निकाल लेता है और ले आकर के उस स्टूडेंट्स को, वो जो युवा था जो नाटक लिख रहा था, उसको ले आकर के वहां जाता है। फिर क्या होता है, इट वॉज इजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज ए होल इन द रूम। अब उसके कमरे में प्रवेश करना आसान था क्योंकि उसमें एक होल थी, छेद थी। थ्रू इट ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम। उस होल के थ्रू छलांग लगा करके और कमरे में प्रवेश कर। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स। क्या हुआ, युवा जो था वो अपना सर अपने हाथों से पकड़ा हुआ था, इसलिए ये जो अबाबिल जब प्रवेश किया तो इस चिड़िया के पंखों की जो आवाज थी, फड़फड़ाहट की आवाज थी, उसे सुनाई नहीं दी। एंड When he looked up, he found a beautiful supper lying on the withered violet. और जब वो देखा तो मुरझाए हुए फूलों के ऊपर इतना खूबसूरत नीलम, देख करके खुश हो गया। क्या कहता है, I am beginning to be appreciated. अब मेरी प्रशंसा होने लगी है। He carried, this is from some great admirer. ये जो नीलम है मेरे किसी प्रशंसक ने दी होगी। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना नाटक समाप्त कर सकता हूं। एंड ही लुक क्वाइट हैप्पी, और इसके बाद प्रसन्न दिखने लगा। द नेक्स्ट डे द स्वालो फ्लू डाउन टू द हार्बर। हार्बर होता है जहाज। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ द लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग। I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. I am come to bid you goodbye, he cried. अगले दिन swallow उड़ते हुए, जो नाव थे बड़े बड़े, जो जहाजे थी पानी वाली, उसके ऊपर से उड़ा जाकर के बड़े बड़े जो जहाज के मस्तूल थे उनके ऊपर बैठा, नाविकों को नाव खेते हुए देखा और बोला कि मैं मिस्र जा रहा हूं, लेकिन किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब सायंकाल हुई तो फिर लौट करके आता है राजकुमार के पास और आके कहता है कि मैं तुम्हें गुड बाय अलविदा कहने आया हूं। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, क्या एक रात और तुम हमारे साथ नहीं रुक सकते हो। It is winter, answered the swallow, and the chill snow will soon be here. कहता है अबाबिल कि जाड़े का मौसम है और ठंडी बर्फ बहुत जल्दी पड़ने वाली है। In Egypt, the sun is warm. मिस्र में गर्म मौसम है, सूर्य निकला हुआ है। On the green palm trees, जो ताड़ के जो पेड़ हैं, ताड़ के जो खजूर के जो पेड़ हैं, उनके ऊपर
किरणें पड़ रही हैं, धूप है, गर्मी महसूस हो रही होगी, एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट देम। और जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो जाड़े के मौसम में क्रोकोडाइल भी जो है वो बाहर आकर के धूप का आनंद लेते हैं। तो वही अबाबिल कह रहा है कि वहां पे मिस्र में क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ भी जो मड में पड़े रहते हैं, आलसी रहते हैं, वो भी निकल करके धूप का आनंद लेते हैं। इन द स्क्वायर बिलो सैड द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल, सी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर एंड दे ऑल आर स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड होता है नष्ट होना। राजकुमार कहता है कि नीचे एक लड़की, छोटी सी एक बच्ची है जो खड़ी है, उसके सारे जो माचिस हैं, क्योंकि एक्चुअली वो माचिस बेचने का काम करती थी, तो जो उसके सारे माचिस हैं वो गटर में गिर गए हैं, सारे गटर में गिर करके नष्ट हो गए हैं। तो राजकुमार उस लड़की को देख करके कहते हैं कि बाबिल सुदूर स्क्वायर नगर से एक वो लड़की है जिसके माचिस उसमें गटर में गिर गया है और नष्ट हो गया है। हर फादर विल बीट हर इफ सी डज नॉट ब्रिंग होम समवन। यदि वो माचिस बेच करके कुछ पैसे नहीं ले गई तो उसके पिता उसको पीटेंगे। और वो बेच के पैसा कहां से ले जाएगी, माचिस तो गिर गया गटर में। दैट इज व्हाई सी इज क्राइंग, इसीलिए वो रो रही है। सी हैज नो शूज, उसके पैरों में जूते नहीं है, और स्टॉकिंग्स मोजे नहीं है, एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, और उसका जो छोटा सा सर है वो भी नंगा है। प्लक आउट माई अदर आईज, मेरी जो दूसरी आंख है यानी कि जो मेरी दूसरी आंख के स्थान पे जो नीलम लगी हुई है उसको निकाल लो, एंड गिव इट टू हर, और उसको ले जाकर के दे दो, एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और ले आकर के अगर दे दिए तो उसका उसके जो पिता है उसको नहीं पीटेंगे। आविल कहता है आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर बट आई कांट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। आविल कहता है कि एक रात मैं और तुम्हारे साथ रुकूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी जो दूसरी आंख है उसको नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसके बाद तुम पूरी तरीके से ब्लाइंड हो जाओगे, अंधे हो जाओगे। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सैड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू। कहता है अबाबिल अबाबिल छोटे बाबिल, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट। फिर क्या किया अबाबिल, झपट्टा मार करके राजकुमार के दूसरी आंख में निकाली और लेकर के उड़ गया। ही स्वप पास्ट द मैच गर्ल एंड स्लीप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड। उड़ते हुए जाता है उस माचिस बेचने वाली लड़की के पास और धीरे से ले आकर के उस नीलम को ले आकर के उसके हाथ के हथेली पे गिरा देता है। व्हाट ए लवली बीट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची चिल्लाती है कि कितना प्यारा छोटा सा कांच का टुकड़ा है। अब उसको क्या पता कि ये नीलम है। एंड सी रैन होम लाफिंग, और हंसते हुए खुश होकर के घर की तरफ दौड़ जाती है। देन दिस स्वालो केम बैक टू द प्रिंस, उसके बाद अबाबिल लौट के राजकुमार के पास आता है। आगे क्या कहता है, यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो गए हो, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहूंगा, अब मैं तुमको छोड़कर के मिस्र नहीं जाऊंगा। नो लिटिल स्वालो सैड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। राजकुमार कहते हैं कि नहीं नहीं छोटे बाबिल, तुम जाओ, तुम निश्चित रूप से मिस्र के लिए रवाना हो, अब तुम जा सकते हो। I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the princess feet. अबाबिल पक्षी कहता है कि नहीं नहीं, मैं अब हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा, अब मैं तुमको छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, because you have become blind, तुम अब अंधे हो चुके हो, and
He slept at the princess feet. और इतना कहकर के राजकुमार के पैरों पर जाकर के सो जाता है. All the next day he sat on the princess soldier and told him stories of what he had seen in strange lands. अब अगले दिन पूरे दिन वो राजकुमार के कंधे पे बैठा और अद्भुत जगहों के बारे में, अद्भुत स्थान के बारे में जो कुछ वो देखा था, जहां जहां वो गया था अद्भुत जगहों पे जो कुछ वो देखा था वो सब कहानी के रूप में राजकुमार को सुनाया. डियर लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस. राजकुमार ने कहा, प्यारे छोटे अबाबिल, यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग. तुम मुझे अद्भुत चीजों के बारे में बताते हो. बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन. निश्चित रूप से तुम मुझे अद्भुत चीजों के बारे में बता रहे हो, लेकिन अगर किसी चीज से ज्यादा कोई, सबसे ज्यादा कोई अद्भुत चीज है तो वो मानव का कष्ट है, मनुष्य का कष्ट है. एंड ऑफ वुमन, स्त्रियों के, पुरुषों के कष्ट है सबसे बड़ा अद्भुत, यही है सबसे बड़ा आश्चर्य, यही है. देर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी. गरीबी पुअरनेस से बड़ी कोई रहस्य नहीं है, गरीबी सबसे बड़ा रहस्य है. फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वालो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर. हे अबाबिल, जाओ मेरे नगर के ऊपर से उड़ो और जो कुछ तुम देखो वो आकर के मुझे बताओ. सो द स्वालो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सा द रिच मेकिंग मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस व्हाइल द बेगर्स आर सिटिंग एट द गेट्स. अब फिर क्या हुआ, अब दिन में अबाबिल पूरे नगर का भ्रमण किया. क्या देखता है नगर में भ्रमण के दौरान, देखता है कि जो रिच लोग हैं, जो धनी लोग हैं, वो अपने सुंदर मकानों में आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं. व्हाइल द बेगर्स, जबकि जो भिखारी हैं, जो गरीब हैं, वे दरवाजे पे खड़े बैठे हुए हैं. जो भिखारी हैं वो गेट्स पे बैठे हुए हैं, जबकि जो धनी लोग हैं वो आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं. He flew into dark lanes, जो सकरी सकरी गलियां थी वहां भी गया. एंड सा द व्हाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट रेस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट. जो अंधेरी गलियां थी वहां जब गया तो क्या देखता है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, भूखे जो बच्चे हैं, वो बेचैन होकर के गली की तरफ देख रहे हैं, भोजन की तलाश में इधर उधर बेचैन है. अंडर द आर्चवे, आर्चवे में होता है मेहराब, आप ब्रिज, टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन वन अनदर्स आर्म टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म. अब वह एक जब पुल के, ब्रिज यानी कि पुल के मेहराब के अंदर देखता है तो क्या देखता है कि दो छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को पकड़े हुए हैं ठंडक से बचने के लिए, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे को गर्म रख सके. और क्या बातें कर रहे हैं, हाउ हंग्री वी आर दे सेड, आपस में वो बातें कर रहे हैं, हम लोग कितने भूखे हैं. यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वंडर्ड आउट इन टू द रेन. अभी भी आपस में बात ही कर रहे हैं लेट करके कि हम कितने भूखे हैं. तब तक पहरेदार आ जाता है और आके कहता है कि तुम लोग यहां नहीं लेट सकते हो, और बेचारे बारिश में भीगते हुए बाहर भटकते हैं. ये तो स्थिति है नगर की. देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस. फिर वो लौट के आता है, राजकुमार को आके बताता है व्हाट ही हैड सीन, जो कुछ उसने देखा है. राजकुमार क्या कहते हैं, आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाई लीफ एंड गिव इट टू माई पुअर. द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी. राजकुमार कहते हैं कि मेरे ऊपर सोने की पतली परत चढ़ी हुई है, मेरी मूर्ति के ऊपर सोने का पतली परत चढ़ा करके मढ़ा क्या है, तो इसे परत दर परत उढ़ेर लो, छुड़ा लो एंड गिव इट टू माई, और ले जा करके इसे गरीबों को दे दो.
क्योंकि जो जीवित प्राणी है वो ऐसा सोचते हैं, उनका मानना है कि सोने से उनका जीवन प्रसन्न हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, यानी कि धन से उनके जीवन में खुशहाली आ सकती है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वालो पिक्ड अप। अब बेचारा अबाबिल क्या करता, परत दर परत करके राजकुमार के मूर्ति से वो जो सोने का जो परत था उसको उठा लिया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे, तब तक जब तक सोने की परत थी सब उड़ेल दिया। अब क्या था, राजकुमार एकदम डल नीरस दिखता था, ग्रे कलर का। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, और परत दर परत सोने की जो पतली परत थी उसको छुड़ा करके ले जा करके अबाबिल गरीबों को दे देता था। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, बच्चों के चेहरे एकदम खिलखिला उठते थे गुलाब की तरह। एंड दे लव्ड एंड प्लेड गेम इन द स्ट्रीट, खुशियां मनाते थे, हंसते थे और गलियों में खेला करते थे। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, बच्चे खुश होकर के चिल्लाते थे कि अब हमारे पास रोटी है खाने को, भोजन है हमारे पास। देन द स्नो केम, फिर क्या होता है, ठंडक और बढ़ती है, बर्फबारी पड़ती है। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और बर्फ के बाद ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वेयर मेड ऑफ सिल्वर, गलियां तो ऐसे दिखती हैं जैसे कि वो चांदी से बनी हुई हों। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर, प्रत्येक व्यक्ति फर वाले कपड़े पहने हुए है। एंड द लिटिल बॉयज और स्कारलेट कैप्स, लाल कलर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लाल कलर की टोपी पहने हुए हैं। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और बर्फ पे स्केटिंग कर रहे हैं। द पुअर लिटिल स्वालो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, बेचारा छोटा अबाबिल ठंड की वजह से ठंडा होता गया, जाड़ा उसको ज्यादा लगता गया, ठंडक बढ़ती गई, जो जो ठंडक बढ़ी उसके ऊपर उसका असर बढ़ता गया। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन इन सब के बावजूद वह राजकुमार को छोड़ नहीं सका। ही लव्ड हिम टू वेल, ही लव्ड हिम टू वेल, क्यों नहीं छोड़ सका, क्योंकि वो राजकुमार को बहुत प्रेम करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर्स वाज नॉट लुकिंग, बेकरी का सामान यानी कि जो खाने पीने की ब्रेड वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, तो बेकरी का सामान जो बनाने वाला जो था उसकी अनुपस्थिति में उसके दरवाजे पे जाकर के जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते थे रोटी के उसको जाकर के क्रम्स छोटे छोटे रोटी के टुकड़े उसको चुन लेता था, खा लेता था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंख को फड़फड़ा करके अपने को गर्म रखने की कोशिश करता था। लेकिन क्या हुआ, बट एट लास्ट ही नो दैट ही वाज गोइंग टू डाई, लेकिन अंत में जान गया कि अब वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस सोल्जर वंस मोर, अब वो जान गया कि अब बहुत थोड़े से क्षण बचे हुए हैं उसकी जिंदगी के, अब उसके पास केवल इतनी क्षमता बची हुई है कि वह एक बार उड़ करके राजकुमार के कंधे पे बैठ सकता है। गुड बाय डियर प्रिंस ही मर्मर्ड, वो धीरे से बड़बड़ाया कि अलविदा प्यारे राजकुमार, विल यू लेट मी किस योर हैंड्स, क्या आप मुझे अपने हाथों का चुंबन लेने देंगे, क्या मैं आपके हाथों का किस कर सकता हूं, चुंबन ले सकता हूं। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वालो, राजकुमार कहते हैं कि छोटे बाबिल मुझे इस बात की खुशी है कि अब तुम इजिप्ट जा रहे हो, मिस्र जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, तुम यहां पे काफी समय तक रुके हमारे साथ, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, तुम हाथों का नहीं बल्कि मेरे होठों का चुम्बन ले सकते हो, मेरे होठों को किस कर सकते हो, क्योंकि मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं। क्या कहता है बाबिल, इट इज कितनी करुणामयी कहानी है, इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, अरे मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूं, मैं मिस्र नहीं जा रहा हूं। सेड द स्वालो,
आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूं। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, मृत्यु तो निद्रा का भाई है ना, इज ही नॉट, क्या मृत्यु निद्रा का भाई नहीं है? एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और इतना कहने के बाद वह राजकुमार के होठों को किस किया और उसके बाद पैरों पर गिर करके मर गया। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, मूर्ति के अंदर से कुछ टूटने की आवाज दे करके कुछ अद्भुत आवाज निकलती हुई, टूटने की आवाज आई, अर्थात मूर्ति के अंदर से अचानक कोई चीज टूटी जिसकी आवाज बाहर आई। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ जरूर टूटा हुआ। द फैक्ट इज दैट, वास्तविकता क्या थी, द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू, जो राजकुमार का जो शीशे का जो हृदय था वो तेज आवाज के साथ स्नैप, तेज आवाज के साथ टूट गया दो टुकड़ों में। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हॉट फ्रॉस्ट, वास्तव में इतनी कड़ाके की ठंडक पड़ रही थी। फिर क्या हुआ अगले दिन, अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर। अगले दिन सुबेरे क्या हुआ, अगले दिन सुबेरे जो उस नगर का मेयर था वहां के काउंसलर के साथ टहलने निकला था, टहल रहा था। एज दे पास द कॉलम, जो ही वह उस स्तंभ के पास पहुंचे, ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, जो मेयर था वह मूर्ति की तरफ देखा और देख के क्या बोला, डियर मी हाउ सैबी, सैबी मींस डर्टी, गंदा, द हैप्पी प्रिंस लुक्स। मूर्ति की तरफ देख के कहता है कि मेरे प्यारे मित्रों देखो तो प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति कितनी गंदी दिखती है। हाउ सैवी इन डीड, क्राइड द टाउन काउंसलर हु ऑलवेज एग्रीड विद द, अब जो काउंसलर थे जो हमेशा मेयर की बातों में हाँ मिलाते थे, तुरंत तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त किए, हाँ हाँ कितना गंदा दिखता है। एंड दे वेंट अप टू लुक एट, और उसके बाद वे सब इसको देखने चले आए। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, क्या देखते हैं कि जो राजकुमार की तलवार थी उसमें जो मणि, उसके जो मुठिया में जो मणि जड़ी हुई थी वो गायब थी, उसमें मणि नहीं थी। हिज आईज आर गॉन, उसकी आंखें चली गई थी, आंखों के रूप में जो नीलम थे वो नहीं थे। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, अब वो सोने का सुनहरा भी नहीं रहा क्योंकि उसके ऊपर सोने की जो परत थी अब वो भी नहीं बची थी। सेड द मेयर, इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन बिफोर, मेयर इसको देख करके राजकुमार की मूर्ति को देख के क्या कहते हैं, अब यह किसी भिखारी से ज्यादा बेहतर नहीं है, लिटिल बेटर देन बिफोर, सेड द टाउन काउंसलर। अब जो मेयर ने कहा कि भिखारी से थोड़ा सा बेहतर है, ज्यादा बेहतर नहीं है, तुरंत काउंसलरों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हाँ हाँ भिखारी से थोड़ा सा बेहतर। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और क्या इसके पैरों पे देखिए यहां पे एक चिड़िया मृत पड़ी हुई है। कंटिन्यू देखिए, मेयर ने कहा कि अरे राजकुमार की जो मूर्ति है उसके पैरों पे तो देखो वहां एक चिड़िया मृत पड़ी हुई है। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन होता उद्घोषणा करना, दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। मेयर कहते हैं कि हमें इस बात की निश्चित रूप से घोषणा कर देनी चाहिए कि किसी भी पक्षी को यहां पे, किसी भी चिड़िया को यहां पे आके मरने की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी भी पक्षी को यहां मरने की इजाजत नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और जो कस्बे का जो क्लर्क था, लिपिक था, वो इस सुझाव को तुरंत नोट कर लिया। फिर क्या हुआ, सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, फिर राजकुमार की प्रसन्न, जो प्रसन्न राजकुमार की जो मूर्ति थी उसको गिरा दिया गया।
एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, अब वो सुंदर नहीं रहा, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, अब वो उपयोगी भी नहीं था, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। अब विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे आर्ट के, उन्होंने आके निरीक्षण किया, निरीक्षण करके उन्होंने कहा कि अब ना तो इसमें कोई सुंदरता है और ना किसी काम की बची। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन फर्नेस, इसके बाद इस मूर्ति को उन लोगों ने क्या किया, भट्टी में पिघलाया। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसियर, ओवरसियर में होता है निरीक्षण करता, निरीक्षक, ऑफ द वर्क्समैन एट द फाउंड्री, भट्टी में जो काम करने वाले जो थे, मजदूर थे, उनका जो निरीक्षण करता था, वो क्या कहता है कि दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, ये जो टूटा हुआ शीशे का जो हृदय है वो इस भट्टी में नहीं पिघल सकता, वी मस्ट थ्रो इट अवे, इसे हमें दूसरी जगह फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप वेयर द डेड स्वालो वाज आल्सो नहीं। फिर क्या हुआ, उस शीशे के टूटे हुए हार्ट को ले आके उन लोगों ने कूड़ेदान में फेंक दिया, जहां पे वो अबाबिल मृत पड़ा हुआ था। इधर दूसरी घटना क्या घटी, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, एंड द एंजल्स ब्रॉट हिम द लिडन हार्ट एंड द डेड बॉडी। प्रभु ने, ईश्वर ने अपने एक दूत से कहा, अपने दूतों से कहा, हिज एंजल्स अपने दूतों से कहा कि जाओ और नगर से मेरे लिए दो मूल्यवान चीजें लेके आओ। उनमें से एक दूत आया और ईश्वर के लिए वो टूटा हुआ जो हृदय था शीशे का, वो और मृत पक्षी, जो मृत चिड़िया थी, उसको लेके गया। फिर क्या हुआ, यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड सेल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द प्रिंस हैप्पी प्रिंस सेल प्रेज मी। तो जब वो दूत टूटे हुए हृदय को लेके गया, मृत चिड़िया को लेके गया, तो ईश्वर ने कहा कि तुमने सही चीज का चुनाव किया है, क्योंकि मेरे बागीचे में, जो स्वर्ग का मेरा बागीचा है, उस बागीचे में ये जो छोटी चिड़िया है ये हमेशा हमेशा के लिए गाएगी, और जो मेरी सोने की जो नगरी है उसमें राजकुमार घूम घूम करके हमारी प्रशंसा करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी स्टोरी। एक्चुअली ये जो कहानी है ये त्याग, समर्पण और मित्रता की अनमोल कहानी है, लेकिन आज भी हमारे गरीब मुल्क में ऐसे बहुत सारे सनकी शासक आते हैं जो जनता की गाढ़ी कमाई से अपनी मूर्तियां बनवाते हैं, कुछ उन्हें तोड़ते हैं, कुछ उन्हें बनवाते हैं, और ये मूर्तियां जनता के पैसों से बार बार बनाई जाएंगी, लेकिन इन पत्थर दिल मूर्तियों में शीशे का हृदय नहीं मिलेगा और न ही ईश्वर के स्वर्ग में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान होगा। तो ये थी स्टोरी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।